तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज के इस वीडियो में हम भाई वीवो के T2X 5G और T2 5G की करेंगे कंपैरिजन। दोनों ही फ़ोन मुझे रिसीव हो चुका है ओपन बॉक्स डिलीवरी में, इसीलिए ये जो सील है वो ऑलरेडी ब्रोकन है। तो चलिए इन दोनों ही बॉक्स से दोनों ही फ़ोन्स को बाहर करते हैं और एक एक करके दोनों ही फ़ोन्स के बारे में डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्राइस डिफरेंस दोनों ही फ़ोन्स का ज़्यादा है, एक है 12,999 से स्टार्ट तो दूसरा है 18,999 से स्टार्ट। ऑफर लगा लेंगे तो 15,000 के रेंज में आपको मिल जाएगी। तो चलिए इन दोनों फ़ोन्स की कंपैरिजन करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स दोनों ही फ़ोन्स के लगभग सेम है, बस नाम चेंज है, बाकी ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ एक जैसा ही है। बॉक्स में किसी भी तरीके की चेंजेस दोनों ही फ़ोन्स में नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पीछे की तरफ बात कर लो तो यहाँ पर फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि एक में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है T2X 5G में, तो T2 5G में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन 44 वाट का चार्जर उसमें दिया गया है। और T2X 5G में सिर्फ 18 वाट की चार्जर मिलती है, 5000 mAh को बैटरी को चार्ज करने के लिए 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे। तो चलिए अब इस बॉक्स से दोनों ही फ़ोन्स को बाहर करके इसके डिज़ाइन को, उसके बाद इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो फाइनली दोनों ही फ़ोन्स बाहर आ चुके हैं बॉक्स से और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन्स के पीछे की लुक लगभग सेम है, बस कलर को हम छोड़ दें तो थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी मतलब दोनों में सेम है, बस फ्लैश लाइट एक में लेंस में है और जो जिसमें लेंस लगा हुआ है उसके बम्प पे दिया गया है और दूसरे में जो है वो साइड में दिया गया है। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन कैमरा मेजर डिफरेंस यहाँ पर कैमरा में ये है कि T2 5G में 64 MP का OIS कैमरा लगा हुआ है, जो कि आपके पिक्चर को काफ़ी क्लियर क्लिक करती है, लेकिन T2X 5G में जो है आपको 50 MP ज़रूर मिलता है, लेकिन उसकी क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी 5-7 हज़ार का हो ही जाता है। तो ये बात है। यहाँ पे साइड में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर दोनों में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है, लेकिन T2X 5G में आपको पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी उसी में दिया गया है, जबकि T2 5G में फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले है। नीचे की तरफ बात कर लो तो दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हो सारे पोर्ट्स एक जैसे और एक ही जगह पे दिया गया है। और वहीं पे आगे की तरफ बात करें तो आगे जो है आपको यहाँ पर सेम चीज़ें देखने को मिलती है और ऊपर में भी आपका सिम ट्रे और नॉइज़ कैंसलिंग माइक दोनों ही फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेंगे सेम पोजिशन पर। दोनों में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी 2 SD, 1 SD कार्ड और 1 SIM कार्ड, या फिर 2 SIM कार्ड लगाइए तो SD कार्ड नहीं लगेगी। एक में सुपर एमोलेड डिस्प्ले में डिस्प्ले दिया गया है, तो दूसरा जो T2X है उसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, LCD डिस्प्ले है Full HD+। बाकी दोनों में यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, डिस्प्ले का भी उतना कोई चेंज नहीं है, जैसे मतलब डिस्प्ले साइज़ की मैं बात कर लूँ तो। बाकी फीचर्स और सॉफ्टवेयर की मैं बात कर लेता हूँ, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में आपको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है, तो इसमें एंड्रॉयड 15 तक के अपडेट आने के चांसेस हैं, अगर 2 मेजर अपडेट बाकी कंपनियों की तरफ मिलती है इन फ़ोन्स को तो। बाकी देखने में सेम है, नॉच जो है कैमरा दिया गया है सामने की तरफ, और अगर मैं कैमरा की बात कर दूँ तो यहाँ पर कैमरा इंटरफेस भी सेम है, बस वीवो के T2 5G में आपको स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जबकि T2X में ऐसा नहीं है। और T2X की बात करें तो आपको 8 MP का सेल्फी मिलता है, जबकि T2 5G में 16 MP है। तो डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस है, तो यहाँ पर कैमरा में भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन इसमें है, लेकिन यहाँ पर T2X में नहीं है। तो ये कैमरा में मेजर चेंजेस हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए इन दोनों ही फ़ोन्स का, क्योंकि एक 13,000 का है तो दूसरा 19,000 का है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है प्राइस का भी। लेकिन T2 और T2X में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर मेजर चेंजेस हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। एक में आपको AOD कस्टमाइजेशन भी दिया गया है डिस्प्ले में, और आप जो है एज लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे में T2X 5G में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें एज लाइटिंग सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो डायनामिक इफेक्ट के अंदर T2 5G में बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जबकि T2X 5G में आपको 2-4 ही फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर मेजर चेंजेज हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ दोनों ही फ़ोन्स में AOD कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पर T2 5G में AOD कस्टमाइजेशन दिया गया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो, लेकिन T2X 5G में आपको कहीं पर भी AOD कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
हालांकि आईक्यू के फ़ोन्स में ये सब फीचर मिल ही जाता है, डिस्प्ले में ऐसे भी दे दिया जाता है, जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ करके तो एज लाइटिंग लगा सकते हो, तो वही चीज़ें दे दी जाती है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। दोनों ही फ़ोन्स एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें एंड्रॉयड 14 तो कन्फर्म है और एंड्रॉयड 15 भी आना चाहिए। एंड्रॉयड 15 तक तो आपको वीवो T2 5G में मिलेंगे ही, लेकिन T2X में देखना होगा कि दो मेज़र अपडेट मिलती है या फिर सिर्फ एक। अगर एक मिलती है तो 14 पे जाइएगा, और दो मिल जाती है तो यहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। बाकी इस फ़ोन्स की बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। बैटरी मैंने बता ही दिया है, T2 5G में 44 वाट के चार्जर है, T2X में 18 वाट की, T2 5G में 4500 mAh की बैटरी है, तो T2X में जो है आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो T2X में ज़्यादा बैटरी मिलती है। तो LCD डिस्प्ले है तो बैटरी भी ज़्यादा कंजप्शन होगा ना T2X में। तो कुल मिला के देखें तो ओवरऑल जो है बात वहीं पे जाके अटक जाती है। तो यहाँ पर आपने पूरी तरीके से देखा, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ें और कंपेयर करने लायक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बस यहाँ पर दिखा दिया है दोनों ही फ़ोन्स और दोनों ही फ़ोन्स के बेसिक फ़ीचर्स वगैरह। और बाकी आप लोग अगर चाहते हो कि हम आप लोगों को क्या जानकारी दें इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, तो वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन दोनों ही फ़ोन्स में डुअल 5G सपोर्ट करता है या फिर नहीं, ये टेस्ट करके चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थी वीवो T2 5G और T2X 5G की कंपेरिजन। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।